डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति इंदोराम मोर्चा आज विधान भवन पर दस्तक देगा। इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। विधायक नितिन राउत हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कल जो है आपके द्वारा मोर्चा निकाले जाने वाला है विधान भवन पर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल को लेकर ये मोर्चा रहेगा, क्या आपकी भूमिका है और सदन में आपने कौन से मुद्दों को लेकर मुद्दा उठाया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, इसकी नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने रखी थी। एक उद्देश्य उसके पीछे था, भूमिका थी कि वह क्षेत्र दलित मागास वर्गीय आदिवासी अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े से पैमाने पर झोपड़पट्टी धारक रहते, ईडब्ल्यूएस के लोग रहते हैं, अनऑथराइज लेआउट्स है और वह नेशनल हाईवे है जो मध्य प्रदेश से जोड़ता है, जो छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। ऐसी जगह पर यह अस्पताल अगर बनता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा नागपुर शहर के, उत्तर नागपुर की जनता को भी मिलेगा और बाहर से आने वाले तमाम लोगों को उसका फायदा मिलेगा और नागपुर यह एक मेडिकल हब बनने की दिशा में प्रगतिशील होगा। बीच में हमारी सरकार ने प्रदेश के मंत्रिमंडल में निर्णय किया, जीआर निकाला, उसका भूमि पूजन करना चाहिए था लेकिन वो भूमि पूजन होने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पक्ष पार्टी की सरकार 2014 से 2019 तक रही, एक ईंट भी उन्होंने लगाई नहीं। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने फिर से उस सब्जेक्ट को ये करके कि चूंकि बिल्डिंग बनाने की जो साहित्य लगता है उसमें कीमतें बढ़ गई है, वो कीमतें बढ़ने के वजह से हमने उसको पुनर उसका विचार किया और उसका नया जीआर 2021 को 13 अक्टूबर को निकाला। उसके तहत भूमि पूजन होना था तो भूमि पूजन भी होने नहीं दे रहे। बीच में इनके तत्कालीन मंत्री जो अभी भी मंत्री है लेकिन जिनके पास वैद्यकीय मेडिकल एजुकेशन था, उन्होंने हाउस में कह दिया कि इसको हम स्थलांतरित कर रहे दूसरी जगह। तो इन तमाम बातों को लेकर आंदोलन चल रहा है पिछले 26 नवंबर से, आज उसका 18वां दिन है। मैं समझता हूँ कि इस सरकार को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं, ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से इनको लेना देना है, उसकी एलर्जी इनको है और इसलिए ये उसका विरोध कर रहे, उसको आवाज उठाने का काम कल मोर्चे में हम निकालेंगे। तो हमने देखा कि कल जो है नितिन राउत इनके नेतृत्व में जो है विधान भवन पर एक मोर्चा दस्तक देगा जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र को लेकर ये मोर्चा होगा और देखना होगा कि क्या कल इस मोर्चे के दस्तक देने के बाद इनका मुद्दा हल होता है या नहीं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।